तो अभी जंगल में आगे जाना पड़ेगा। देखो मतलब कैसे रास्ते से जाना पड़ता है ये व्लॉग शूट करने के लिए, मतलब बहुत ही पूरा पानी पानी और इधर से जाना पड़ता है। और तो चलो अभी निकलना पड़ेगा जल्दी से जंगल के बाहर, अंधेरा होने ही वाला है, हो गई मतलब थोड़ा थोड़ा तो होने लगा है, तो जल्दी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा इस जंगल से, क्योंकि इधर जंगली जानवर का भी इधर डर होता है, क्योंकि इधर कहीं से भी आ सकती है, इसलिए इस जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। और इधर कोई भी है नहीं, उस तरफ देखो वो क्या है जो कुछ है, तो चलो इधर से जल्दी निकलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हम आज आपको गांधीनगर का सीक्रेट प्लेस बताने वाले हैं, जहाँ यहाँ पे तो फोन लाने नहीं देते अंदर, पर हम पीछे से आए तो हम फोन लेके आपको आपको दिखाने के लिए ही हम पीछे से आए। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मतलब पीछे से रास्ते से आए, मतलब दीवार बड़ी दीवार थी उधर से हम आए, तो आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हम बहुत ही मुश्किल से अंदर आए, पूरा जंगल है इधर और हम दूसरे रास्ते से आए, तो बहुत ही मतलब पेंट पे सब कुछ लग गया था, रिद्धि के साड़ी पे भी कुछ लग गया था, तो हम उस रास्ते से आए तो हमें बहुत दिक्कत हुई, और आपको दिखाने के लिए फ़ोन लेकर अंदर आ गए और अभी वीडियो शूट कर रहे हैं। और अभी हम जिस जगह पे वो गांधीनगर का सीक्रेट प्लेस है, हम इधर ही हम आपको मतलब यही दिखाने वाले, मतलब पूरा दिखाएंगे आपको, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप देख रहे हैं सहवाग रिद्धि व्लॉग। तो फ्रेंड्स सब कैसे, आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम एक जंगल में आए हैं, जहाँ हम तीनों के अलावा कोई नहीं है, ये हमारा भाई है और हम दोनों है जो शूट कर रहा है हमारी वीडियो। तो आपको दिखाने के लिए हम तीनों जंगल में आए गए, और अभी 5 बज गए और अंधेरा भी होने वाला है, तो अभी हम आपको जो कुछ दिखाएंगे, इधर कोई नहीं है हम तीनों के अलावा। तो अभी देख सकते हैं पीछे पूरा जंगल ही जंगल है, मतलब सब पेड़ ही पेड़ है। तो चलो अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर क्या क्या है। तो हमने भी नहीं देखा, हम भी पहली बार जा रहे हैं, जहाँ जाएगा रास्ता वहीं पे हम जाएंगे सीधे सीधे। तो चलो आप अंदर जाके आपको दिखाते हैं क्या है। हम तो अभी इस जंगल में आगे जाना पड़ेगा। तो अभी अंदर जाएंगे, चलो अंदर जाके दिखाते हैं अंदर क्या है। तो अभी देखो हम तीनों के अलावा कोई नहीं इधर, ये हमारे सनी भाई है, कोई नहीं है मतलब पूरा जंगल में इधर। तो अभी अंदर जा रहे हैं चलो, और काफी चलते चलते बहुत आगे आ गए। तो और आगे हमें कुछ तालाब जैसा कुछ दिख रहा है, और आगे मतलब इधर बीचों बीच कुछ आगे बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, मतलब आगे जाके दिखाते हैं वो आगे क्या है। और जंगल के बीचों बीच ये सीक्रेट प्लेस है लगता है मेरे को, इधर कुछ आगे बहुत अच्छा कुछ दिखाई दे रहा है, और आगे ये देखो तालाब भी आ गया है, तो वो दिखा भी। तो फ्रेंड्स हम फाइनली वो तालाब पे आ गए, हम कितना चल के आए वो तो हमें भी नहीं पता है, बहुत सारा चलने का था। तो फ्रेंड्स तालाब का व्यू बहुत अच्छा है, तो आप भी देख लो तालाब, हमने तो देख लिया, तो आप भी देख लो, मतलब बहुत चल के आए इधर, और दूर से तालाब दिखाई दे रहा था, मतलब दूर से तो ऐसा लग रहा था कि इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जब पास आए तो बहुत ही अच्छा व्यू है, और अंदर लगता नहीं कि ऐसा होगा, मतलब पास ही तो इतना घना जंगल दिखाई दे रहा है इसलिए। और अंदर आए तभी पता चला हम पीछे से के रास्ते से आए, आपको एक बार और बार बता दूं, क्योंकि अंदर प्रवेश नहीं, इधर जो काम करते हैं वही अंदर आते, जो कोई घूमने के लिए जगह नहीं है। तो हम तीनों आ गए अभी, तो तालाब भी देख लो और तालाब का व्यू भी देख लो, हमने तो देख लिया, आप भी मजे ले लो और देख लो, मतलब कितना ही अच्छा व्यू है इधर, दूर से पता नहीं चल रहा था कि इतना अच्छा व्यू होगा, अंदर आके देखो अंदर मतलब ये ग्राउंड जैसा भी कुछ है इधर। चलो अभी इस पूल पे मतलब मेरे को ऐसा लगता है रील बनानी चाहिए, बहुत ही अच्छा प्लेस है इधर, तो हम इधर रील्स बनाएंगे, तो थोड़ी देर रुक जाओ, हम रील्स बना लेते हैं तब तक। पूल के बीचों बीच आ गए अभी हम, और देखो अभी इधर रास्ता भी नहीं है, तो अभी इधर से कूदना पड़ेगा, तो कूदा पहले मैं पकड़ हाथ ला इधर, तो चलो अभी थोड़ा इससे आगे चलते हैं, आगे क्या है वो भी देख लेते हैं।
मतलब जंगल ही दिखता है और तालाब किसी, मेरे को कुछ और लगता नहीं कि और कुछ होगा, तो तब भी थोड़ा आगे चले जाते हैं और अंधेरा भी होने वाला, तो जल्दी जाकर घर जाना पड़ेगा। तो चलो अभी जाते हैं आगे, क्या है देखते हैं, कुछ होगा नहीं मेरे को लगता नहीं, ये जंगल है, ये तालाब के सिवा जंगल के अंदर कुछ होगा, लगता है तेरे को कुछ होगा अंदर? मेरे को तो कुछ लगता नहीं है क्योंकि यहाँ पे पूरी जगह पेड़ ही है सारे। हाँ लेकिन ये तालाब बहुत ही अच्छा है ना। हाँ बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, हमने मतलब इंस्टा पे नहीं दिखा, तो मैं मेरा आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उधर से मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना, इंस्टाग्राम पेज को भी, क्योंकि हमारा नया वाला आईडी, जो पुराना वाला आईडी था वो हैक हो गया है, तो अभी हमने नया आईडी स्टार्ट कर दिया, तो आपको इंस्टाग्राम को भी, इंस्टाग्राम पे भी हमें सपोर्ट करना है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें सपोर्ट कर दीजिए। और चलो आगे चलते हैं अभी, तो चलो चलते आगे, ध्यान से इधर गिर मत जाना, गिर मत जाना, रुक अभी पकड़ता हूँ, निकल जाएगी। देखो मतलब कैसे रास्ते से जाना पड़ता है ये व्लॉग शूट करने के लिए। और सनी भाई तो पहले ही आगे निकल गए। अरे सनी भाई रुक जाओ, देखो मतलब बहुत ही पूरा पानी पानी है और इधर से जाना पड़ता है, और रिद्धि को साड़ी पहनी इसलिए उसको तो चलने में भी दिक्कत होती है, सब कुछ ये पेड़ मतलब लग जाता है साड़ी पे। और अभी आगे निकल गए हो तो देख सकते आगे क्या है। देखो मतलब कैसे दोनों आगे जा रहे हैं, मतलब कुछ देखा नहीं आगे क्या हुआ, दोनों चलते ही जा रहे हैं। पीछे मुड़ो दोनों, आगे क्या है पता है तुमको? और आगे वो देखो वो ब्रिज था, ब्रिज मतलब हमको, मेरे को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते इसलिए मैंने ब्रिज ही बोल दिया। तो अभी ये भी फोटो शूट के लिए तो जगह बहुत ही अच्छी है, लेकिन इधर लगता नहीं कोई आता होगा, इधर तो कोई आता ही नहीं इसलिए। इधर से तो और भी अच्छा व्यू है, पूरा ही जंगल है देख सकते हो। हम तीनों के अलावा लगता नहीं ये कोई और है अंदर। कहाँ पे क्या है? वो छोटे छोटे वो मच्छर हो गए, मच्छर आम आदमी सोता हुआ शेर और मच्छर क्या है। और उस तरफ भी एक ब्रिज है, लेकिन पता नहीं कहाँ से जाना है उधर, तो अभी उधर नहीं जाएगी क्योंकि बहुत अंधेरा होने वाला है, तो अभी घर जाना पड़ेगा इसलिए अभी उधर नहीं जाएगी। और लगता भी नहीं अंदर कुछ और होगा ये तालाब के सिवाय, तो अभी हम इधर से डायरेक्टली घर पे जाएंगे। तो हमने जो देखा वो हमने आपको भी दिखाया, तो तालाब के सिवाय जंगल में कुछ नहीं और अंधेरा भी होने वाला है, तो जल्दी से घर जाना पड़ेगा हम, क्योंकि हम पीछे के रास्ते से आए, आगे से तो किसी को अंदर नहीं आने देते इसलिए हम पीछे के रास्ते से आए, तो हमको पूरा जंगल घूमकर घर जाना पड़ेगा, तो जल्दी घर जाना पड़ेगा। और इधर तालाब के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन फोटो शूट के लिए बहुत ही मतलब पुराना लोकेशन है, मतलब पुराने पुराने पेड़ घिरे हुए हैं, ये देख लो आप, ये दिखा दे वापस। तो इधर ये सब फोटो शूट के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, देखो मतलब ये जो आगे पानी के अंदर जो ब्रिज जैसा कुछ बना है वो भी है, तो फोटो शूट के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो चलो अभी इधर से घर चलते हैं, तो हमने बहुत ही रिस्क लिया आपको दिखाने के लिए, व्लॉग शूट करने के लिए, तो चलो अभी इधर से घर चलते हैं, बिना कुछ परेशानी नहीं होगी तो अच्छा होगा, तो जल्दी से घर चलते हैं। यही बहुत, ये बहुत दिक्कत है इधर जंगल से ज़्यादा। और ये देखो इधर ये सब भी आपको दिखाया होगा या नहीं दिखाया देख पता नहीं। तो चलो अभी निकलना पड़ेगा जल्दी से जंगल के बाहर, अंधेरा होने ही वाला है, हो गई मतलब थोड़ा थोड़ा तो होने लगा है, तो जल्दी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा इस जंगल से, क्योंकि इधर जंगली जानवर का भी इधर डर होता है, क्योंकि इधर कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए इस जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। और इधर कोई भी है नहीं, उस तरफ देखो वो क्या है जो कुछ है, तो चलो इधर से जल्दी निकलना पड़ेगा। ये कुछ ये देखो ये जूम करने से फट जाता है ये कुछ है, तो चलो इधर जंगली जानवर का भी टाइम हो गया है, तो जल्दी से घर जाना पड़ेगा। अरे ऐसा कुछ मत कर, चलो जल्दी घर चलते हैं।